Hey guys, welcome to our channel. My name is Afsar and you are watching Technical Afsar YouTube channel. तो guys, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से Kinemaster के अंदर हाई लेवल की एडिटिंग कर सकते हैं, जहां पर आप अपने Kinemaster के अंदर अपने वीडियोस के अंदर आप ऐसे क्लिप ग्राफिक्स लगा सकते हैं कि जिसके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते. गाइस, ये बहुत ही प्रोफेशनल जो है तो ग्राफिक्स हो सकते हैं. आपको एक किस तरीके से लगाना है, क्या क्या करना है, सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप. तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. और गाइस, यहाँ पर मैं जो Kinemaster आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं Kinemaster के बारे में. तो गाइस, इस Kinemaster के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपसे डाउनलोड नहीं अगर हो रहा है तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, तो आप मेरे उस वीडियो को जरूर से जाकर देख लेना. वहाँ पर आप उस वीडियो देखकर इस Kinemaster को इजीली डाउनलोड कर पाएंगे. गाइज, उसके बाद ही आपको ये सारे इसके अंदर ग्राफिक्स मिलेंगे जो कि नए नए ग्राफिक्स हैं, और आप इन ग्राफिक्स को आसानी से अपने वीडियोस के अंदर जो है तो ऐड कर पाएंगे. तो गाइज, वीडियो को यहां पर शुरू करते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने Kinemaster को ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने अपने Kinemaster को यहां पर ओपन किया है. उसके बाद आपको यहां पर प्लस वाले अकाउंट पर क्लिक करना है. फिर आपको मिलेगा यहां पर 16:9 का एक ऑप्शन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है. गाइज, यहाँ पर मैटर करता है कि आपको किस रेशियो के अंदर आप अपने वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं. बट गाइज, यहाँ पर अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो अगर क्रिएट कर रहे हैं तो आपको 16:9 का ही जो है तो फॉर्मेट एस्पेक्ट रेशियो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है. गाइज, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, अपने मीडिया ऑप्शन में जाना है. उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी वीडियो को इम्पोर्ट कर लेना है. तो गाइज, यहाँ पर मेरी जो वीडियो है वो मैं यहाँ पर एक इम्पोर्ट कर लेता हूँ. तो यहाँ पर मैं चले जाता हूँ अपने वीडियोज़ के अंदर, यहाँ पर मेरा ओपन कैमरा. अब गाइज, मैं आ चुका हूँ अपने वीडियो के अंदर. तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी वीडियो यहाँ पर आ चुकी है. अब मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को मैं कर दूंगा यहाँ से क्रॉप, क्योंकि गाइज वीडियो काफ़ी लंबी है, तो इसलिए मैं आपको छोटी वीडियो बनाकर यहाँ पर बता देता हूँ. तो गाइज, अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो वीडियो है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है Kinemaster के अंदर. अभी आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया वाले लेयर पर. उसके बाद गाइज, यहाँ पर दिखता है आपको एक क्लिप ग्राफिक्स का एक ऑप्शन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है. उसके बाद गाइज, यहाँ पर अभी आपको दिख रहा हूँ कि बहुत सारे ग्राफिक्स मेरे पास अभी अवेलेबल है. अगर आपके पास ये ग्राफिक्स नहीं अगर है, क्योंकि आपके पास में सारे ग्राफिक्स नहीं होंगे, क्योंकि इन सभी ग्राफिक्स को डाउनलोड करना होता है. तो गाइज, यहाँ पर दिखेगा आपको एक गेट मोर वाला एक ऑप्शन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है. उसके बाद यहाँ पर आपके सामने Kinemaster असिस्ट स्टोर ओपन हो जाएगा. तो यहाँ से आपको सिंपली ये जो ग्राफिक जो दिख रहा है 1, 2, 3, 4 नंबर पर एक ऑप्शन, तो गाइज यहाँ पर मिल जाएगा आपको बहुत सारे जो है तो ग्राफिक्स के ऑप्शन. तो आप यहाँ से किसी भी ग्राफिक्स को अपने Kinemaster के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं. तो गाइज, मैंने जो यहाँ पर ग्राफिक्स को डाउनलोड किया है वो मैं भी आपको बता देता हूँ वो कौन सा है. तो गाइज, वो है यहाँ पर नाउ प्रेजेंटिंग वाला एक जो है तो ग्राफिक्स. आपको सिंपली यहाँ पर से इसे ओपन करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लेना है. गाइज, ये ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पर ये इंस्टॉल्ड बता रहा है. तो गाइज, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा कि इसके अंदर बहुत सारे आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे. अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इन ग्राफिक्स को अपने वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं. तो गाइज, सिंपली आपको यहाँ पर अपने फ्रेम के ऊपर क्लिक करना है, अपने वीडियो के ऊपर. उसके बाद आपको क्लिप ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करना है. उसके बाद गाइज, यहाँ पर आपको चले जाना है अपने ग्राफिक्स के अंदर. आपको जो भी ग्राफिक्स अच्छा लग रहा है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. बट गाइज, यहाँ पर मैं अपने वीडियोस के अंदर नाउ प्रेजेंटिंग को ही यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको इसी का यूज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ. तो गाइज, सिंपली आपको यहाँ पर नाउ प्रेजेंटिंग पर क्लिक करना है. उसके बाद गाइज, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इंट्रोड्यूस, यहाँ पर दिख रहा है हिस्ट्री. तो गाइज, मैं जो यहाँ पर नॉर्मली यूज़ करता हूँ वो करता हूँ मैं यहाँ पर कैरेक्टर 1 वाला एक जो है तो ग्राफिक. तो यहाँ पर मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, उसके सिलेक्ट कर लेता हूँ. गाइज, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है टाइटल ऑब्जेक्ट. तो गाइज, यहाँ पर आपका जो भी वीडियो का टाइटल है आप वो यहाँ पर दे सकते हैं. तो मैं भी फिलहाल के लिए यहाँ पर दे देता हूँ अपने चैनल का नाम. तो जैसे कि मेरे चैनल का नाम आप सभी को पता है, टेक्निकल अफसर. तो गाइज, यहाँ पर टेक्निकल नाम देने के बाद यहाँ पर दिख रहा है आपको एक ए वाला सिंबल, ये होता है गाइज फंड के लिए. आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है. उसके बाद आपको यहाँ पर अपने टेक्स्ट के लिए एक फंड सिलेक्ट कर लेना होता है. तो गाइज, मैं यहाँ पर रोबोटो का जो है तो बोल्ड इटैलिक सेलेक्ट कर लेता हूँ. उसके बाद यहाँ पर इसे सिंपली ओके कर देना है. गाइज, यहाँ पर आप इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं. आपको जो भी कलर चाहिए आप अपने ग्राफिक्स और अपने टेक्स्ट का दोनों का ही कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. तो गाइज, मैं यहाँ पर अभी कुछ कलर सिंपली आपको सेलेक्ट करके बता देता हूँ. तो यहाँ पर अभी मैं ले लेता हूँ ऑरेंज कलर. तो गाइज, अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो ग्राफिक्स का जो कलर है वो यहाँ पर ऑरेंज हो चुका है. गाइज, उसके बाद यहाँ पर नीचे की भी हम जो है तो टाइटल डाल देंगे. तो मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ. गाइज, उसके बाद इसको भी मैं फंड यहाँ पर दे दूंगा. तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि मैंने इसे भी फंड दे दिया है. और गाइज, अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप जैसे इसे ओके करते हैं, अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है. सिंपली भी आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा जो ग्राफिक है वो यहाँ पर थोड़ा लेट ओपन हो रहा है, थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है. तो गाइज, अब आपको क्या करना है, अपने वीडियो को यहाँ पर जो है तो ट्रिम कर लेना है पहले, जितना आपको टॉपिक चाहिए.
तो गाइज मैं भी आपको सिंपली यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये जो आपको जो दिख रहा है आपको सिंपली इसे यहाँ पर खींच लेना है और इसे यहाँ पर छोटा कर लेना है। तो गाइज यहाँ पर छोटा करने के बाद आपको इस वीडियो को यहाँ से ट्रिम कर लेना है। तो मैं भी फिलहाल के लिए यहाँ पर से इसे ट्रिम कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर अपने स्प्लिट और हेड कर लिया है। तो अब आपको मैं बता देता हूँ इसे प्ले करके। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही इसे प्ले कर रहा हूँ तो ये बहुत ही आसानी से यहाँ पर प्ले हो रहा है और आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो गाइज इस तरीके से आपको यहाँ पर जितनी भी जगह आपको ग्राफिक लगाना है, पहले आपको अपने वीडियो को यहाँ पर सिंपली बीच में से है तो क्रॉप कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको इसे ग्राफिक आप दे सकते हैं, आपको जो भी ग्राफिक अच्छा लग रहा है आप यहाँ पर चेंज करके इसे ईजिली दे सकते हैं। तो गाइज सारे ग्राफिक आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और इसी तरीके से आप अपने वीडियोज़ के अंदर ग्राफिक्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो गाइज इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे फीचर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे फीचर पर जो तो वीडियोस बनाऊं और आपको मैं सिखाऊं एक अच्छी वीडियो एडिटिंग, तो आप मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो एडिटिंग की वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए डेली लाता रहता हूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।